हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा, एन के एस लर्निंग कैंपस में। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि करंट से संबंधित है। ये क्वेश्चन 100% सभी एग्जामों में आ सकता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या अन वन डे एग्जाम जो भी है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आज मैं इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये भारत में होने जा रहा है। आज वास्तव मित्र G20 यानी कि G20 जो शिखर सम्मेलन है के विषय में हम बताने जा रहे हैं। शिखर यानी कि G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है इसी के विषय में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब G20 शिखर सम्मेलन यानी कि वास्तव में G20 शिखर तो अभी पहली बार होने जा रहा है। कब पहली बार यानी कि कौन तारीख? 9 और 10 सितंबर 2023 यानी कि आज की डेट, यानी कि आज दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। देखो ध्यान देना, ये दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं, यानी कि 19 देश भाग ले रहे हैं। कितने? 19 देश हैं और एक यूरोपियन है, एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन कंट्री यानी कि यूरोपियन लोग भी हैं इसमें भाग ले रहे हैं। अब देखो ध्यान देना, तो टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। और भारत ने यानी कि 20 और भारत ने 9 देशों को अपने यहाँ निमंत्रण भेजा है। इन्हें निमंत्रण भेजा है क्या कि आइए मेरे यहाँ, आइए भाई आप लोग भी भाग लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि 20 देश भाग हो गए और 9 लोगों को निमंत्रण भारत ने भेजा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये अगवानी करेंगे, यानी कि सभी लोगों को स्वागत होगा यहाँ पर। और भारत में यानी कि 2 देश ऐसे हैं जो आने में असमर्थ थे, उनने ये बताया कि भाई हम नहीं आ पाएंगे। ऐसे कौन 2 हैं? तो याद रखना कि रूस, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो नहीं आ रहे। उनने बताया कि मेरा ध्यान अभी कहाँ है? यूक्रेन के साथ यानी कि युद्ध हो रहा है वहाँ पे लगे हुए हैं, तो इस वजह से नहीं आए। और दूसरे राष्ट्रपति कौन है? जिन जो ये आपके कौन है, चीन के जिनपिंग करके हैं, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। यानी कि देखो रूस और चीन देखो ध्यान देना इस जगह, यानी कि चीन तो चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के पीएम जरूर आ रहे हैं। यहाँ के पीएम आ रहे हैं और रूस से नहीं आए हैं, तो राष्ट्रपति नहीं आए हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अब आज वास्तव में दिल्ली में स्थित वो है जैसी कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी 2 दिन, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अपने यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है। और बहुत पहली बार एक तो ये सम्मेलन का अवसर मिला है, ठीक है, यानी कि ये 19वां, यानी कि देखा जाए अभी तक कितने हुए थे? 18 शिखर सम्मेलन हो गए, अब ये 19वां यानी कि हम लोग के यहाँ जो होने जा रहा है ये 19वां है। ये कौन सा है? 19वां G20 शिखर हो रहा है हम लोग के यहाँ, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये याद रखना, ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं कि जो अब एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ G20 में जो देश आए हैं, जो देशों को निमंत्रण मिला है वो कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे कौन है? तो भूटान है, भूटान को बुलाया गया है। और किसको बुलाया गया है? मिस्र को भी बुलाया गया, भैया आओ तुम भी। और किसको बुलाया गया? मॉरिशस को बुलाया गया है, मॉरिशस यानी कि इसको मॉरिशस को भी बुलाया गया है। और किसको बुलाया गया है? नीदरलैंड को बुलाया गया है। किसको? नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, नाइजीरिया। और किसको बुलाया गया है? नाइजीरिया के बाद ओमान, ओमान को भी बुलाया गया है। ओमान के बाद कौन है? सिंगापुर है, यानी कि सिंगापुर से भी कहा गया आइए भाई
और स्पेन है, और स्पेन के बाद कौन है, यूएई है। यानी कि इतने देशों को हमारे भारत ने निमंत्रण भेजा है। और इसकी G20 के मेजबानी कौन कर रहा है, मेजबानी की यानी कि बात किसको दी गई है, तो अरविंद ओझा। अरविंद ओझा जो हैं ये भारत के हैं, इनको ये काम सौंपा गया है कि सबका स्वागत करें, मेजबानी यानी ठीक अरविंद ओझा, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज, G20 के पूछा जाएगा कि भारत में कितने बार सम्मेलन हुआ, कितने बार सम्मेलन हुआ, तो पहली बार हो रहा है। कितने बार हुआ, तो पहली बार हो रहा है। ठीक है, देश पूछे जाए तो 19 यूरोपियन है ये, और 19 ये देश हैं, तो टोटल कितने हैं, तो 20 हैं। और क्रम कौन सा है, तो 19 हुआ है। क्रम कौन सा है, तो 19 हुआ है, यानी कि 19वां क्रम में भारत को मिला है। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है आज, वास्तव में ये शिखर सम्मेलन जो हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना व्यापार वाणिज्य भी बढ़ रहा है। क्योंकि अगर एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रहेंगे तो निश्चित है कि व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, और जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो हम लोग विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेंगे। अच्छे अगर संबंध होंगे तो निश्चित है कि व्यापार वाणिज्य भी अच्छा होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन से आप लोगों का क्वेश्चन 100% आएगा। अब जैसे कि पूछ दिया जाए, मान लो अभी G20 शिखर सम्मेलन का यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में, अब जैसे यहाँ पर पूछे जाए G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को निमंत्रण भेजा गया, तो अब ये 9 लोगों को भेजा गया। अब इसमें क्रम दे देंगे, जैसे भूटान दे देंगे, भूटान के बाद मिस्र दे देंगे, मॉरिशस नीदरलैंड दे देंगे, इसमें फिर दे दिया 3 दे दिया, इसमें क्या सभी लोगों ने भाग लिया, तो ये चीज़ याद रखना। कभी इसमें से एक अलग कर दिया जाएगा कि मेजबानी में एक को नहीं रखा गया, तब भी क्या उत्तर कोरिया को भारत में मेजबानी में भाग मिला है, तो नहीं मिला है। क्या ये पूछ दिया जाए उत्तर कोरिया, क्या 19 जो देश हैं क्या उसमें शामिल है, तो नहीं है, तो ये भी चीज़ याद रखना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए तैयार रखिए, तैयार रहिए। और एक चीज़ और बता दें कि जो करंट में होते हैं, जैसे सम्मेलन हो रहा है, तो यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जुड़े रहिए। अभी आपको फिर अभी एक वीडियो मिलेगी जो करंट से क्वेश्चन जहाँ से पूछे गए हैं उसी के विषय में भी हम बताने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।